एंड वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब हम सीखते हैं WH फैमिली को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कैसे उपयोग किया जाता है। WH फैमिली जैसे कि when, how, where, ये WH फैमिली होती है। जैसे कैसे, कब, क्यों, ये सब WH फैमिली के अंदर आता है। अब इसका रूल कहता है, पहले WH फैमिली लगाइए, उसके बाद did यानी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, उसने कहाँ गाना गाया, उसने कहाँ गाना गाया। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। वेयर डिड शी सिंग अ सॉन्ग, उसने कहाँ गाना गाया। सेकंड एग्जांपल है, मैंने कब खाना खाया, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। व्हेन डिड आई ईट फूड, तुमने मुर्गा क्यों नहीं पकाया, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। व्हाई डिड यू नॉट कुक चिकन, अब देखो इसमें नॉट भी आ रहा है और क्यों भी आ रहा है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दो अगर सेंटेंस है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी है और नॉट वाला भी है, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव भी है और नॉट वाला भी है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। व्हाई डिड यू नॉट कुक चिकन, पूजा ने पत्र क्यों नहीं लिखा, पूजा ने पत्र क्यों नहीं लिखा। Why did पूजा not write a letter, Why did पूजा not write a letter। तो इसमें भी not आ रहा है और WH फैमिली भी आ रही है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद not रखा जाएगा। आई होप आपको अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। अगर आपको नहीं आया है तो एक दो बार वीडियो दोबारा देखो और प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।